दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस में एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने पुलिस के रवैये पर, श्रद्धा वालकर के अतीत पर और श्रद्धा आफताब के रिश्तों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। श्रद्धा वालकर की लिखी एक चिट्ठी सामने आई है, जो चिट्ठी नवंबर 2020 में लिखी गई थी मुंबई पुलिस को। ये एक शिकायती चिट्ठी थी जिसमें श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराई थी। नवंबर 2020 की ये चिट्ठी है जो मुंबई की वसई पुलिस को लिखी गई थी। इसमें ऊपर लिखा है कि ये चिट्ठी एवरशाइन सिटी पुलिस वसई के नाम पर है। चिट्ठी में श्रद्धा ने क्या लिखा है, ये जानकारी चौंकाने वाली है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा है, मैं श्रद्धा विकास वालकर उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला उम्र 26 साल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। वो लगातार मुझे प्रताड़ित करता है, पीटता है और आज तो उसने मुझे गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की। वो रोज मुझे डराता है, धमकी देता है कि वो मुझे जान से मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। ये सब करीब 6 महीने से चल रहा है, लेकिन मैं पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी क्योंकि आफताब मुझे धमकी देता था, पीटता था, डराता था। आफताब के परिवार वाले भी हमारे बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो मुझे पीटता है, जान से मारने की कोशिश भी करता है। वो जानते हैं कि हम कुछ समय साथ रह चुके हैं और वीकेंड पर वो हमसे मिलने भी आते थे। मैं आफताब के साथ रहती थी क्योंकि हम शादी करना चाहते थे और हमें उसके परिवार का आशीर्वाद भी मिला हुआ था, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अगर मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए आफताब अमीन पूनावाला जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि उसने मुझे कहीं भी देखा तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा या मुझे मार देगा। ये वो शिकायत है जो श्रद्धा ने नवंबर 2020 में, यानी 2 साल पहले, मुंबई पुलिस के पास दर्ज कराई थी। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आफताब के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, आफताब उसे पीटता था, ब्लैकमेल करता था, और यहां तक भी लिखा है कि आफताब ने श्रद्धा को उस वक्त भी, यानी 2 साल पहले भी, जान से मारने की कोशिश की थी। श्रद्धा ने स्पष्ट तौर पर इस लेटर में लिखा है कि आफताब ने आज मुझे गला दबाकर मारने की कोशिश की, वो मुझे धमकी देता है कि मुझे मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। यानी आफताब आज से नहीं, अगर इस लेटर की माने तो 2 साल से श्रद्धा को मारना चाह रहा था और उसका इरादा वही था जिस तरह से अब उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पहले गला दबाकर मारना और उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। हालांकि आफताब अब कोर्ट के सामने कह रहा है कि ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था, ये सब गुस्से में हुआ था, अचानक से कुछ ऐसे घटनाक्रम बने, अचानक से श्रद्धा की बात पे उसे गुस्सा आया और उसने श्रद्धा को मार दिया। लेकिन श्रद्धा का अब यह जो शिकायती पत्र 2 साल पुराना सामने आ रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आफताब 2 साल से श्रद्धा को मारने की साजिश रच रहा था। 2 साल से उसके दिमाग में यही प्लान था कि श्रद्धा को गला दबाकर मारना है और फिर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।